हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित में। दोस्तों, आप कंपटीशन का स्टूडेंट हो या फिर क्लास का स्टूडेंट हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर आसानी से घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज को देखने वाले हैं, किस तरह से इसका सेंटेंस में यूज होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और वर्ब को अच्छी तरह समझने के लिए आप वर्ब के सभी प्रीवियस वीडियो को देख लें, ताकि आप वर्ब को अच्छी तरह से समझ पाए। और मेरे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नया है और घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी को भी दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूज ऑफ शुड। शुड का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। शुड का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। जैसे आई शुड अटेंड माई क्लास डेली। आई शुड अटेंड माई क्लास डेली। आई शुड अटेंड माई क्लास डेली। इसका अगर हिंदी देखा जाए तो क्या होगा, मुझे प्रतिदिन वर्ग में रहना चाहिए। मुझे प्रतिदिन वर्ग में रहना चाहिए। मुझे प्रतिदिन वर्ग में रहना चाहिए। एक बार और देखते हैं। शुड का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए। एग्जाम्पल, आई शुड अटेंड माई क्लास डेली। आई शुड अटेंड माई क्लास डेली, इसका हिंदी होगा मुझे प्रतिदिन वर्ग में रहना चाहिए। तो यहाँ पर शुड का मीनिंग क्या है, चाहिए। शुड का मीनिंग क्या है यहाँ पर सेंटेंस में, चाहिए। शुड का प्रयोग जब शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है तब इसका अर्थ होता है गागेगी। शुड का प्रयोग शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है, शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है तब इसका अर्थ होता है गागेगी। तब इसका अर्थ होता है गागेगी। तब इसका अर्थ होता है गागेगी। दोस्तों, हमें पता है कि, या फिर नहीं पता है तो हम नरेशन में पढ़ेंगे कि सेल का जब इनडायरेक्ट नरेशन में यूज करते हैं तो उसका उसके पास्ट फॉर्म शुड को यूज करते हैं। तो जब भी हम सेल के पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे तो किसमें यूज होता है इसका, इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में जो हम नरेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, तो वही शुड का प्रयोग सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है तब इसका अर्थ होता है गागेगी। शुड का पास्ट फॉर्म के रूप में हम इनडायरेक्ट नरेशन में उसका यूज करते हैं, जो हम नरेशन में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। I shall go there। यह किसमें है, डायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन में
यहाँ पर आई सेड, मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, इसका हिंदी है मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेड गो देयर, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर बंद कर दिए, मतलब सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का, और इसका हिंदी होगा मैं कहा मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो हो जाएगा आई सेड दैट आई शुड गो देयर, और इसका हिंदी देखा जाए तो हुआ कि मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो शुड का मीनिंग क्या है, गागेगी। अभी हमने ऊपर में यही देखा है कि शुड का प्रयोग जब सेल के पास्ट फॉर्म में होता है तब इसका अर्थ होता है गागेगी, और पास्ट फॉर्म में हम कहाँ पर यूज करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में, जो हम डायरेक्ट नरेशन में इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल गो देयर, यह सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का है। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो होगा मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई सेड दैट आई शुड गो देयर, इसका मीनिंग मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो शुड का मीनिंग क्या है, गागेगी। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि शुड का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन जब उसका पास्ट फॉर्म यूज होता है तब उसका अर्थ हो जाता है गागेगी। शुड का प्रयोग सभी नंबर पर्सन के साथ किया जाता है, शुड का प्रयोग सभी नंबर पर्सन के साथ किया जाता है, शुड का प्रयोग सभी नंबर पर्सन के साथ होता है किया जाता है। तो देखते हैं सभी नंबर पर्सन में आई वी यू ही सी इट दे और नाउन आ जाएंगे, नाउन में सिंगुलर प्लुरल दोनों। इस तरह से शुड का प्रयोग सभी नंबर पर्सन के साथ किया जाता है, तो आई शुड गो। और हमने ऊपर में पढ़ा है कि शुड के बाद किसका यूज होता है, भी वन का, जो इस तरह से किया गया। तो शुड का प्रयोग सभी नंबर पर्सन के साथ किया जाता है, सभी नंबर पर्सन में ये सब आ जाएंगे और इसके साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, और शुड के बाद भी वन का यूज होता है। यदि सेंटेंस में शुड प्लस है प्लस भी थ्री का प्रयोग हो तब इसका अर्थ होता है कि वाक्य के कर्ता को बीते हुए समय में कोई काम करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। यदि किसी सेंटेंस में शुड प्लस हैव प्लस भी थ्री का प्रयोग हो तब इसका अर्थ होता है कि वाक्यकर्ता को बीते हुए समय में कोई काम करना चाहिए, वाक्यकर्ता को बीते हुए समय में कोई काम करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
बी शुड हैव रीड केयरफुली दोज डेज, बी शुड हैव, बी शुड हैव रीड केयरफुली दोज डेज, दोज डेज। यहाँ पर शुड प्लस हैव प्लस वी थ्री, शुड प्लस हैव और प्लस वी थ्री का यूज हुआ। शुड प्लस बी, वी शुड हैव रीड केयरफुली दोज डे, हम लोगों को उन दिनों ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं किया। इसका हिंदी देखा जाए तो होगा, हम लोगों को उन दिनों ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था लेकिन देखा जाए तो क्या हुआ, नहीं पढ़ा। यदि किसी सेंटेंस में शुड प्लस हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग हो तब इसका अर्थ होता है कि वाक्य के कर्ता को बीते हुए समय में कोई काम करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। एग्जाम्पल है कि बी शुड हैव रीड केयरफुली दोज डेज, यहाँ पर शुड प्लस हैव प्लस वी थ्री है, इसमें शुड प्लस हैव, बी शुड हैव रीड केयरफुली दोज डेज। इसका अगर हिंदी देखा जाए तो हम लोग को उन दिनों ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए था लेकिन क्या किया, हमने नहीं पढ़ा, नहीं किया इस काम को, हमने नहीं किया, नहीं पढ़ा। तो इस तरह से शुड प्लस है प्लस वी थ्री जब सेंटेंस में हो तो उसका अर्थ होता है। यदि किसी सेंटेंस में इफ आई Only I wish I wish as if इत्यादि का प्रयोग हो, इत्यादि का प्रयोग हो और वाक्य के कर्ता और वाक्य के कर्ता अवास्तविक कल्पना करें, वाक्य की कर्ता अवास्तविक कल्पना करें तो प्रथम वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग होता है। तो प्रथम वर्ब के रूप में बेयर का प्रयोग होता है, बेयर का प्रयोग होता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में सेकेंड वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग होगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस में वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग होगा। यदि किसी सेंटेंस में इफ आई विश एज इफ इत्यादि का प्रयोग हो और वाक्य कर्ता अवास्तविक कल्पना करें तो प्रथम वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसे आसानी से समझ पाए। If I wear a word, I should fly in the sky. I should fly in the sky.
यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इफ आई लगा हुआ है, इफ आई लगा हुआ है, तो इफ आई बियर ए वर्ड, यहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है, अवास्तविक कल्पना कर रहा है। इसका हिंदी देखा था, यदि मैं एक चिड़िया होता, इफ आई बियर ए वर्ड आई फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता, तो मैं आकाश में उड़ता। यहाँ पर यह सेंटेंस क्या है, अवास्तविक कल्पना कर रहा है इसमें, इफ आई बियर वर्ड। लेकिन इसको देखा जाए तो यह सिंपल सेंटेंस, यह सिंपल सेंटेंस है। तो अभी हमने ऊपर में देखा है कि इफ इफ आई वनली आई आई बिस बिस आई बिस एज इफ इत्यादि का प्रयोग और बाकी कर्ता अवास्तविक कल्पना करे, तो प्रथम वर्ब के रूप में वियर का प्रयोग है। यहाँ पर प्रथम वर्ब, इसको यहाँ पर प्रथम वर्ब, प्रथम वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग हुआ, लेकिन सिंपल सेंटेंस में वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग हुआ। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, यह सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, तो इसमें शुड का यूज होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि इफ इफ आई ओनली आई विस विस आई विस एज इफ इत्यादि का प्रयोग और वाक्यकर्ता अवास्तविक कल्पना करे, तो प्रथम वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग हुआ, प्रथम वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग हुआ, लेकिन सिंपल सेंटेंस में वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग हुआ। और इस सेंटेंस को देखा जाता है सिंपल सेंटेंस पे, और यहाँ पर वर्ब के रूप में शुड का यूज होगा। वही इफ आई वी आर ए वर्ड, यहाँ पर अवास्तविक कल्पना करने का मतलब है कि यहाँ पर कल्पना कर लिया था, मान लिया जाता जो कभी होने वाला नहीं। जैसे यहाँ पर कहा है कि इफ आई वी आर ए वर्ड, कि अगर मैं चिड़िया होता, मैं चिड़िया होता तब, तो यह यहाँ पर अवास्तविक कल्पना इसी को कहते हैं, यहाँ पर जो मतलब वास्तविक नहीं है। इफ आई वी आर ए वर्ड आई शुड फ्लाई इन द स्काई। शुड का प्रयोग भी सभी प्रकार के सेंटेंस में होता है, शुड का प्रयोग भी सभी प्रकार के सेंटेंस में होता है, सेंटेंस में होता है। एग्जांपल देखते हैं, आई शुड प्ले, आई शुड प्ले, इसका हिंदी होगा मुझे खेलना चाहिए, तो यह सेंटेंस यस में अफर्मेटिव हो जाएगा। उसके बाद आई शुड नॉट प्ले, आई शुड नॉट प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए, तो यह निगेटिव में हो जाएगा। शुड आई प्ले, शुड आई प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए, तो यह इंट्रोगेटिव हो जाए। शुड आई नॉट प्ले, शुड आई नॉट प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है। वाई शुड आई प्ले, वाई शुड आई प्ले, वाई शुड आई प्ले, मुझे क्यों खेलना चाहिए, मुझे क्यों खेलना चाहिए। यहाँ पर डब्ल्यू एच ग्रुप वाला वर्ड को लगा करके तब इंट्रोगेटिव बनाया गया है, तो यह डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव हो जाए। दोस्तों डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव उस तरह का सेंटेंस जैसे मतलब व्हाट, हु, वेयर, वेन, ये सब मतलब डब्ल्यू एच ग्रुप वाला वर्ड को लगा करके, यहाँ पर डब्ल्यू एच से लग करके ये सब वर्ड बना हुआ है, और इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कब जाऊँगा। जैसे यहाँ पर वेन कब, वेयर मीन्स कहाँ, मैं कहाँ जाऊँगा, वेयर हो गया, व्हाट मैं क्या खाऊँगा, तो यहाँ पर व्हाट क्या हो गया, ये सब डब्ल्यू एच ग्रुप वाला इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसलिए यहाँ पर इसे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कह लेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एच ग्रुप के वर्ड का यूज करके यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। व्हाई शुड आई प्ले, मैं क्यों खेल, मुझे क्यों खेलना चाहिए, तो ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसी तरह व्हाई शुड आई नॉट प्ले, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, तो यह हो जाएगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव।
दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के यूज को ही लेकर मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।